अपनी बिल्डिंग में से नीचे आ रही थी, गाड़ी में, गाड़ी मेरी, मेरी कार मेरी बिल्डिंग से बाहर खड़ी हुई थी एंड मैं ये जो ड्रेस इस वक्त पहनी हुई हूँ उस वक्त भी यही पहनी हुई थी। तो जब मैं वहाँ से गेट से, मेन गेट से बाहर निकलने लगी, तब एक आदमी मेरे सामने से क्रॉस हुआ और उसने मुझे छुआ बॉडी पे। मैंने उससे पूछा कि तुमने क्या किया था, मैंने उससे रुक के पूछा कि तुमने अभी अभी क्या किया, दोबारा करो। देन दिस गाय सेड कि इतने कपड़े छोटे पहन के घूम रही, अगर छू भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बहुत देर उससे वहाँ पर लड़ाई हुई, बहुत देर उससे मैंने उससे कंफ्रंट किया कि तुम ऐसा कर नहीं सकते। ये सेड के बहुत गलत गलत वर्ड्स उसने यूज़ किए कि तुम जैसी लड़की ने जो आधे से कम कपड़े पहने अगर छू लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं पुलिस स्टेशन आई, पुलिस मेरे से बहुत देर के बाद आई, अभी मैं एक डेढ़ घंटे से यहाँ पर बैठी हुई हूँ, कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मैंने जब पुलिस ऑफिसर से बोला, उसका नाम है अमूल, अमूल कदानी जो इस वक्त ड्यूटी पर है, मैंने उससे बोला कि इस बंदे ने इस तरह से मुझे मॉलेस्ट किया और मेरे साथ में उसने इतनी बदतमीजी की। 15-20 मिनट तक की ये पूरी बात हुई, मेरे साथ जो भी वाकया हुआ 15-20 मिनट तक हुआ। ऑफिसर ने मुझे उल्टा सवाल पूछा कि गलती से उसका हाथ लग गया होगा, अगर कोई गलती से हाथ लगाता है तो वो 10-15 मिनट बैठ के मेरे साथ में बकवास नहीं करता है, वो मेरे साथ गलत वर्ड्स यूज नहीं करता है, अगर गलती से हाथ लगता है तो कोई भी सॉरी बोलकर जाता है। पुलिस कुछ नहीं कर रही है, इनफैक्ट स्पेशली जो ड्यूटी ऑफिसर है उसने उल्टा मुझसे पूछा कि गलती से हाथ लगा होगा, अगर गलती से लगा था तो सॉरी क्यों नहीं बोला उसने, और अभी आकर हाथ पैर जोड़ा और पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। ये है मुंबई पुलिस। जब हम जैसों के साथ ऐसा होता है तो आम लड़कियों के साथ क्या होता होगा। मेरा नाम कफील अब्बास है और मैं शेफर्ड रेजिडेंसी में रहता हूँ। मैं नीचे पान खाने के लिए उतरा था, आप कंफर्म कर सकते हैं पान वाले से भी, और मैंने वहाँ से 8 पान लिए और वहाँ से आने के बाद मैं जैसे गेट तक पहुँचा मुझे लगा कि किसी ने पुकारा है, तो मैं पलट के, वहाँ के लोग काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, तो मैं जैसे उस गेट तक, मेरा गेट बड़ा हुआ है, काफ़ी बड़ा है लेकिन उसका जो दरवाज़ा है वो छोटा है, तो मैं वहाँ तक जैसे पहुँचा लगा पीछे से किसी ने पुकारा है, मैंने पलट के देखा, इतने में उधर से मैडम आ रही थी, मेरे शायद ठोकर लग गई या क्या हुआ, मैंने सॉरी भी कहा उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने सीधा मुझे गाली बकना शुरू कर दिया। अब वो ऐसी कच्ची कच्ची गालियाँ, मैंने उसे सॉरी बोला, हमने मैडम क्या आप मुझे तो काफ़ी दिन से जानती हैं, ऐसा अब बिल्डिंग में मैं हम लोग साथ में रहते हैं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। उसके ऊपर उन्होंने और गाली बकी और गाली बकी। मैंने यहाँ तक कि मेरी वाइफ ने यहाँ पे आके, जबकि मेरे घर में डिलीवरी भी होने वाली है मेरी सिस्टर की, और उसके बाद भी मैं सॉरी बोलता रहा, यहाँ काफ़ी कितना टेंशन में रहा, मेरे जो साड़ू हैं उन्होंने भी सॉरी बोला, मैंने बोली, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, मैं बिल्डिंग में आज तक आप पता लगवा लीजिए, किसी से भी आकर किसी से भी मैंने छेड़छाड़ की हो तो आप ज़रूर मुझसे ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं। मुझे वो ही अगर कहते, एक पर्सन मुझे कह दे, क्योंकि वो रीज़न अगर लागू होता तो बिल्डिंग के कई लोग मुझे पे लगा चुके होते, अगर वो रीज़न जानना होता, वो रीज़न तो उन्हीं बता सकते हैं। वो महिला, क्या ज़रूरत है किसी के बारे में इतना जानने की, मैं अपने ही करके ज़िंदगी गुजार लूँ, वही बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम 3-4 महीने लगे थे पुलिस ने वो आईडी ढूंढ कर निकाला था कि किसने मेरा ट्विटर हैक किया था और मेरा फेसबुक भी हैक हुआ था, मेरे 3 अकाउंट्स हैक हुए थे और उस पर न्यूड पिक्चर्स डाले गए थे। तो जो हैकर था जिसने मेरा ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया था और कुछ फ़ोटोज़ भी डिलीट किए थे, तो उसकी अरेस्ट हुई थी।